नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां होती है, कुछ लोग उन मुश्किलों को दीवार मानकर उनसे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमाम बाधाओं और मुसीबतों को पार करते हुए कामयाबी की नई कहानी लिख देते हैं। ऐसी कुछ कहानी है गाजा के एक शख्स की, जिन्होंने हाथ पांव ना होते हुए भी कराटे सीखकर दुनिया को अपनी फाइटिंग स्किल्स से हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्सेस स्टोरी छाई हुई है। 24 साल के यूसुफ अबू अमीरा जन्म से ही बिना पैरों और हाथों के साथ पैदा हुए थे, पर अपनी इस कमी को अपने रास्ते ना आने देते हुए उन्होंने पहले लॉ में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कराटे सीखा। यूसुफ कराटे में ऑरेंज बेल्ट है और फिलहाल गाजा बीच पर एक रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। यूसुफ का कहना है कि वह दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि कमी सिर्फ इंसान के दिमाग में है, शरीर में नहीं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यूसुफ ने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया और अब वो स्टिक की मदद से आसानी से पंच मार लेते हैं और फाइट कर लेते हैं। यूसुफ के कोच हसन अल राही का कहना है कि यूसुफ में कई लोगों से बेहतर स्किल्स है, उनकी कमी कभी भी उनके आड़े नहीं आती। सोशल मीडिया पर भी यूसुफ की सक्सेस स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर रही है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यूसुफ अबू अमीरा जिंदा दिली की एक मिसाल है। इस खास खबर में बस इतना ही। मैं राजनंदनी आपसे विदा लेती हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।